कुछ लोग पूर्व जन्मों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ धर्मों में मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग सनातन धर्म में भी ऐसे हैं जो गुरु बन कर के बैठ गए। थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं कि कुछ पढ़ लिया, इंजीनियर बन गए, आईआईटी कर ली, और इस प्रकार के जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, वो पूर्व जन्मों को कम मानता है, कुछ लोग नहीं भी मानते। लेकिन जो आचार्य है, अपने आप को बोलते हैं कि मैं आचार्य हूँ, और उनको इतनी भी जानकारी नहीं कि पिछले जन्म होते हैं या नहीं होते, ये तो बहुत ही दुखद बात हो गई, दुखद घटना है ये तो, कि जो गुरु बन करके बैठ गए, कि जो लोगों को उपदेश कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, वो उस चीज को नकार रहे हैं। अगर आपने साधना नहीं की, अगर आप अपने पिछले जन्म तक नहीं पहुंच पाए, अगर आपका गुरु समर्थ नहीं है पिछले जन्म दिखाने के लिए, अगर आपकी साधना इतनी उच्च श्रेणी की नहीं है कि आप पिछले जन्मों में जा सकें, तो फिर ये हमारी कमी थोड़ी ही है, ये धर्म की कमी थोड़ी ही है, ये सनातन की कमी थोड़ी ही है, ये हमारे वेदों की कमी थोड़ी ही है, ये हमारे शास्त्रों की कमी थोड़ी है, ये आप लोगों की कमी है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आप वहाँ तक नहीं खोज कर पाए, आपकी पहुँच वहाँ तक नहीं है, ये आप लोगों की कमी है, ये धर्म की कमी नहीं है, शास्त्रों की कमी नहीं है, सनातन की कमी नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो एक एक चीज खोल खोल करके रख दी, अपने बहुत से जन्म लिख दिए उन्होंने, आज भी ये घटनाएं आप लोगों के सामने हो रही हैं। आप खोज करके देखिए, संसार में हर रोज कोई न कोई जीव प्रकट पैदा होता है और वो बताता, मैं पिछले जन्म में यहाँ था, उसे पिछले जन्म में यहाँ था, उसे पिछले जन्म में वहाँ था, और ये आजकल कोई बड़ी बात भी नहीं रह गई, ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि इस तरह से हिलाते हैं वो पेंडुलम और पिछले जन्म में लेकर के जाते हैं, वो पिछले जन्म में पिछली घटनाएं, उससे पिछली घटनाएं आप खोज करके तो देखिए, आप खोजते ही नहीं, खोजना ही नहीं चाहते, अहंकार के वो सी भूत होकर के कुछ भी बोल देते हैं, समाज को गलत दिशा देने का काम करते हैं, और अपने जो अहंकार है, अपना जो अपनी एक सोच बना ली है, अपनी जो एक मेंटेलिटी तैयार कर ली है, अपने माइंड में जो कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है, तो उसको फेंकते रहते हैं दूसरों के ऊपर, उसका प्रयोग करते रहते हैं, और अपना तो कुछ है नहीं, न ही उन खोज की, बस पुस्तकें पढ़ते हैं, रट्टू तोता हो गए आगे बोल देते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं आगे बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता, ये विद्वानों के काम है, ये ज्ञानियों के काम नहीं है, ज्ञानियों के तो आसपास भी नहीं है, हमने खोज करके देखी है, और हमने ही क्यों, हमारे पास आने वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो पिछले जन्मों में गए हैं, जिन्होंने साधना की है, जो पिछले जन्मों को देख भी सकते हैं, अनुभव भी किया है, उन्होंने जाना भी है कि कहाँ थे, कैसे थे। ये केवल हमने नहीं बोला, ये हम नहीं कह रहे, ये गीता जी बोल रही है, श्री कृष्ण की वाणी बोल रही है कि हे अर्जुन, आज ये तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुत जन्मों में हम साथ साथ थे, ये गीता जी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। क्या आप गीता जी से ऊपर हो गए? क्या आप गीता जी को नहीं जान पाए? क्या आपने उसको पढ़ करके नहीं देखा? क्या आपने खोज भी नहीं की? क्या आपने कोशिश नहीं की कि मैं ध्यान के द्वारा अपने आप को जानूं? क्या आपने कोशिश नहीं की कि मैं पिछले जन्म में अपने जो घटनाएं हो रही हैं, जो पिछला जन्म कहाँ था, कैसे था, उसमें जा करके देखूं? ये आपकी कमी है। पिछला जन्म 100% सत्य है। अगर पिछला जन्म होता ही नहीं तो आप पैदा ही क्यों हुए? अगर पिछला जन्म होता ही नहीं तो फिर गुरु बनने का आधार ही क्या है? अगर पिछला जन्म है ही नहीं, फिर कर्मों का आप जिक्र ही क्यों करते हो? कर्मों का तो आपको टॉपिक ही बंद कर देना चाहिए, फिर तो सिस्टम ही नहीं बचता कुछ भी, फिर तो कुछ भी करो, कैसे भी रहो,
समाज में जब न आगे जन्म है न पीछे जन्म है, ये कुछ टाइम है, कैसे भी निकाल दो इसको। आप नहीं समझ सकते, आपको पता नहीं है, आप अपना भी समय व्यर्थ गवा रहे हैं, लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। समय रहते समझ जाइए, समय रहते अगर संभल गए, समझ गए, रास्ता मिल गया खोजने का, योग क्रियाओं का पता चल गया, ध्यान का पता चल गया, चढ़ाई का पता चल गया, कैसे होती है, कैसे कहाँ को कैसे निकल करके जाया जाता है, तो आपको एहसास हो जाएगा। आप अपने कीमती समय को नष्ट मत कीजिए, कहीं आखिरी श्वास में आपको ये पछतावा रह जाए, अरे ध्यान कर लेते, कुछ कर लेते, पूर्ण गुरु मिल जाता तो हमारा भी कल्याण हो जाता। इस पछतावे में अगला जन्म फिर होगा, फिर वही पछतावा होगा, क्योंकि ऐसे मानने वाले लोगों से बड़ा मुश्किल होता है। हठी किस्म के जो मतलब जानते हुए भी अनजान बन जाएं, तो ऐसे लोगों से संभल करके रहिए, और ऐसे अपना जो कीमती समय है एक एक पल का, उसको व्यर्थ मत गवाइए, और अपने कीमती समय का लाभ उठाइए, और आज ही ध्यान की क्रियाओं के ऊपर अपना काम शुरू कीजिए, और परमात्मा के मार्ग पर बढ़ने के लिए पूरा प्रयत्न कीजिए।